नुह सारा राज्य रे आपण देखंतु आईन श्रृंखला परिस्थिति अति भयंकर। नवदासक घटना तो 10 दिन तलर, ता पूर्व आपण मन पकांतु धर्मेन्द्र साहूंकर घटना, ताकर हत्यारंती कौटि ना कौटि विजु जनता दल, आपण माने जेते आईन श्रृंखला व्यवस्था देखंतु कौटि ना कौटि विजु जनता दल नेतृत्व हूँ, विजु जनता दल मंत्री हूँ, विजु जनता दल कर्मी हूँ, किंबा तांको प्ररोचन रे ए कार्यक्रम सब चलु। आपण माने देखंतु राज्य रे जेतिकि बाली घाट नीलाम चलीथिला एवं से घाटर पछरे कौटि ना कौटि विजु जनता दल कार्यकर्ता माने से नीलाम को नै थिले सबुटी देखंतु आपण, एवं जोठी बाली उठुला से कलेक्टर एडीएम सब कलेक्टर जी जाए बंद करते बेनियम भाव से कथा को पाथय कर आक्रमण विजु जनता दल कर्मी माने ए घटना रे स्पष्ट विजु जनता दल कार्यकर्ता माने आईन श्रृंखला को एठारे किभली भाव ठीक भाव न चलो से बद्धपरिकर हो तेणु से घटना रे कौटि ना कौटि गोटे घटना घटी एवं नव दास राज्यर कैबिनेट मंत्री नव दास को हत्या होती से घटना रे कौटि ना कौटि दल कार्यकर्ता माने निश्चित भाव में पचारि थे आधे तीले मात्र संदेह ना ना राज्यवासी ना आमर ए कथा को आम आधार करी आज राज रास्ता को ओह्ल भारतीय जनता पार्टी दाबी करवल नव दास गोटे जदि राज्यर कैबिनेट मंत्री सुरक्षा पाना आईन श्रृंखला परिस्थित रे हत्या होती साधारण लोक किभली भाव में चलो आज राज रास्तार माँ भूमि चलिया परिस्थिति से भाया खराब हो गला तेणु आज भारतीय जनता पार्टी दाबी करूँ गोटे साधारण लोक किभली भाव में आईन श्रृंखल तार निजर सुरक्षा पाइब एवं साधारण भाव में जीवन जापन कर भारतीय जनता पार्टी आज राज रास्ता को लेकिन आईन श्रृंखला जदि शीघ्र न सुधुरे ए आंदोलन आहुरी भयंकर हम पूरा तल देखु स्वर्गत नव दास हत्या है राज्य सरकार जन प्रमुख मंत्री हत्या है 12 दिन बीतीगला एपर्त राज्य सरकार कौन गोटे निर्यास पहुँची पारना दिन मझीरे रास्ता उपरे हत्याकांड घटिकी भी से हत्याकांडर विषय बिंदु को जोड़ा को राज्य सरकार निजर अक्षमता प्रदर्शन कर आज मन पड़ू कुंदुली रे जो भाया भाव स्थित होता कुंदुली रे से झीटी आर्तचित्कार कर मरीगला सेना एपर्तंत से घटनार न्याय मिलला ना किए से संपुक्त जमापड़ा ममिता मेहर घटन सामान कथा है घटन सामान कथा है महांगा डबल मर्डर कथार सामान कथा है आज कौन सी जगार अपराधी धरा पड़ू ना राज्य सरकार ए राज्य आईन श्रृंखला परिस्थित को नियंत्रण में रखापी लोकों प्रति जो उत्तरदायित्व अच्छे सरकार आईन श्रृंखला परिस्थिति राज्य सरकार नियंत्रण में रखिले लोके शांति रे ये कथा करने ये राज्य सरकार 100 रु 100% अक्षमता प्रकाश कर गत काली बड़म्बा अंचल को जा जड़े लोक को मिछ हाथी मारवा केस्रे से लोक को निरे जंतु जीवजंतु को कला भाया निर सेकी मारी जोतामाड़ कर लाठी एवं रड रे बाड़ी जो भाई भाव में तीन जन लोक कर जनकर दुखद मृत्यु होती से घर को भी मुझे आज कहली न सर आज गरीब लोक बोली अत्याचार शेष सीमार सरकारी अधिकारी माने करेंगे एक एवं से जितेबाला पा मागिंटे परिश्रा पियाई एक सरकारी अधिकारी माने करी एक स्थिति ओडिशा प्रदेश में आईन श्रृंखला परिस्थिति को नियंत्रण करिवार कौन सी नैतिक दायित्व जोटा सरकार करूना आईन श्रृंखला डोर आज राज्य सरकार हाथ में ना आईन श्रृंखला परिस्थिति आज राज्य एक भयंकर स्थित पहुंची साधारण लोकर जनजीवन पूरा विपन्न अवस्था पहुंची से ही दृष्टिकोण आम आज पूरा दाबी करुचु ये आईन श्रृंखला परिस्थिति जेहेतु तुम्हें संभाली पार न ओडिशार मुख्यमंत्री तुमर मुख्यमंत्री आसन में बसवार योग्यता ना आज आम दाबी करुचु दल तरफ जे मुख्यमंत्री इस्तफा दिंतु मुख्यमंत्री इस्तफा दिंतु ये जघन्य घटना गोटे गोटे घटी जापरिकी निजर मंत्री को जार सुरक्षा देवार कैपासीटी ना जो मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री इस्तफा दिंतु ये आंदोलन को पूरा क्रमगत भाव में चलो ये आंदोलन क्रमगत भाव में चलो और तृणमूल स्तर पर्यंत चलो आम आंदोलन को आईन श्रृंखला परिस्थिति जो भाई भाव में भयंकर स्थित में पहुंची ता विरुद्ध आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी चलई रखा बद्धपरिकर गोटे कथा मुझे पचारू चाहिए विजु जनता दल नेता
ଯଦି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା ତେବେ ତୁମେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେଠି ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବସେଇଛ? ତୁମର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ବୋଲି ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ବସେଇଛ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବସେଇଛ ସେ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି କି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ କଥା କରିଛ, ତେଣୁକରି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ନବ ଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଘଟଣା କେମିତି ଚପି ଯାଉ ସେ କଥା ବି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ଏବଂ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାର ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ଯାହା ଆସୁଛି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନଥିବ, ଜଣେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନଥିବ, ସେଠି ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ହେଉଛି ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ବାବୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ସରକାରକୁ ନେଇକି ଚଲେଇବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରେଇବା ଏ ସ୍ଥିତିକୁ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।